with my craft because over a period of time and i must mention mr bhansali who really has molded me along the way in my journey as an artist has revealed to me that the craft of acting is actually limitless there are no limits there are no boundaries there are no rules you make your own rules as you go you know and the craft being limitless like a universe like an endless sphere of possibilities i just want to keep exploring and exploring and my hunger for characters, for stories, for characterization, for work, is becoming even more vociferous and insatiable. Uh, having said that, I am now married, and I am trying to uh, maintain some kind of work-life balance, which is a great big positive in my life that Dipika has brought into my life. But to be really honest with you, I I having made conscious efforts to achieve a work-life balance. I'm just, my entire being is obsessed with films, with characters, with with this whole world. As obsessed as I was 10 years ago, if it's possible, I'm even more obsessive about my craft now. Yeah. Thank you so much, Ranvi. All Thank the you, very best for the film. Thank you. Uh, hello, ma'am. Hi. मेरा सवाल आपसे है कि आप ऐसे तो बहुत सारे लोग कॉमेडी करते हैं कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट जॉनर है बट इसमें जो आपकी कॉमेडी है उसको बच्चे खास तौर पर बहुत पसंद करते हैं वो जो क्यूटनेस है उसमें आप नोटिनेस को कैसे ब्लेंड करते हैं कि वो वल्गर ना लगे कभी मैं, मैं। <laughs> <laughs> मेरे में क्यूटनेस और नोटिनेस दोनों हैं क्या लगता है गोशाली मैं क्यूट हूँ है है क्यूट है 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 नॉटी <laughs> नॉटी बहुत है क्यूट भी बहुत है तो मैम यही तो है अप, आपके अंदर जो गुण हैं आप कोशिश करते हैं कि आप उनको लेकर आए अपने कैरेक्टर्स में तो उन कैरेक्टर्स में आप जान डाल सकते हैं आई फील लाइक कैरेक्टर्स चाहे जो भी हो एट डिफरेंट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम चाहे लुटेरा का वरुण हो कि सिम्बा का संग्राम हो कोई भी हो इट्स ऑलवेज आप कोशिश करते हो कि आपके अंदर जो है एक ऑथेंटिक पार्ट आप उसको ढूंढो और उस कैरेक्टर में डाल दो तभी वो कैरेक्टर रेजोनेट होता है जयेश तो एक कमाल कैरेक्टर है जो मतलब जैसे कि दिव्यांग ने कहा सेकंड सीन से जो सेकंड सीन में वो उसकी जो रिएक्शंस है वो जो कर जाता है मैं वहीं से कनेक्ट हो गया एंड

मीन मैंने तो विलिन भी किया है यू नो पदमा वो भी बुरा आदमी वो भी मेरे अंदर होगा कहीं तो वो भी आप पोर करते हो अपने कैरेक्टर से सो आर्टिस्ट और दैट यू कैन टैप इन एंड पोर इन टू द कैरेक्टर एंड मेक इट बिलीवेबल एंड देन इट रेज विद एन ऑडियंस रणवीर 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 साहब स्ट्रेट दिस इज विनम्र फ्रॉम सरस ट्रेलर जोरदार ट्रेलर सो आई वॉन्ट टू आस्कूटिंग बिकम स्नेक्स हॉल विल बिकम होल सो एज एन एक्टर हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज इट फॉर यू टू मेक शो दैट यू हैव टू मेक द कैरेक्टर एंटरटेनिंग बट ऑल्सो की नहीं है प्राउड गुजराती That he is a stickler for फॉर दीज सो ऑफ I will let him take this response. पर एक बात बताओ, ये मिड्डे अभी भी छप रहा है <laughs> नहीं, I don't mean it in a bad way. I mean like सब कुछ डिजिटल हो रहा है।, है ना मैं तो मैं मिड्डे पढ़ता हूँ, लेकिन डिजिटली एक सवाल है अ, ये मिड्डे मेट अभी भी डालते हैं क्या अभी भी है <laughs> कमाल है यार विंटेज के डे पढ़ते हैं हम हालांकि फोन पे डिजिटली लेकिन कॉन्ग्रेट्स टू यू एंड योर टीम ऑन द अमेजिंग वर्क यूर पार्ट ऑफ पब्लिकेशन विद अ ग्रेट बिग अ ग्रेट पार्ट ऑफ अवर कल्चर एंड कॉन्ग्रेट्स ऑन ऑल योर वंडरफुल वर्क सर सो आई थिंक बींग अ गुजराती मेरे लिए एक जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से गुजराती को नॉर्मली पोर्ट्रेट किया जाता है जैसे कि आपने कहा उससे पहली बात तो मैं उससे दूर रहना चाहता था सो so, रणवीर ने जब हाँ करी फिल्म के लिए तो पहले पहली, पहली चीज जो हमने डिसाइड की थी कि आई वी विल ऑथेंटिक गुजरातीज एज अ पार्ट ऑफ दॉम यू नो सो आप जितना भी फिल्में देखेंगे, सारे के सारे एक्टर्स गुजरात से हैं हैं मुंबई के थिएटर के, के गुजराती तो एक एक like अंदर डालोगे तो वो सब सब कहा से क्या शोकिंग करके क्या आपको दे रहा है उसे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता सो दैट वॉज आर इंटेंशन एंड ऑफकोर्स वी अ डायलेक्ट कोच एंड एवरी थिंग एंड एंड आई मतलब मुझे बहुत क्रिंज होता है यार जब फिल्मों में ये मतलब हिंदी फिल्मों में गुजराती इसको ऐसे सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन अश्योर यू कि एज अ अ गुजराती वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इस फिल्म में और okay. ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मतलब ये जो एक्सेस कर रहे थे अभी एक्सेस की बात कर रहे थे जो इन्होंने जयेश के लिए एक्सेस किया है ना अ पार्ट ऑफ हि पर्सनैलिटी वो इन्हें खुद भी नहीं पता क्योंकि वो वो परफॉर्मेंस में वो वो हम लोग एज एक्टर्स वी सर्च फॉर दीज मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ के जब हम बिल्कुल कैमरा सीन सब भूल जाएं हम सिर्फ उसी में डूबे हों उसी किरदार में डूबे हों वो और वो सच्चाई वाले मोमेंट हम खोजते रहते हैं इस फिल्म में मैं आपको कह रहा हूं जस्ट एज फगेट मी एज अ राइटर डायरेक्टर वडेवर एज अ फैन बॉय आई कैन से दिस इज रनबीर बेस्ट परफॉर्मेंस And so many moments of truth this guy has given. I mean, I I mean after watching it a zillion times on the edit and making it, I still get goosebumps. So we achieve that. And you're right, sir. As actors between action and cut to find moments of truth, that's always your entire endeavor. Or so the character me yahan <laughs>

Thank you so much, dear team. Thank you. It was wonderful to have your थैंक यू सो मच समय जो yeah. है, है. इसलिए थोड़ी सी अपनी गति को तेज बढ़ाना पड़ेगा कोई बात नहीं. So कोई बात नहीं, आप तीन सवाल करते हैं और मैं तीन सेंटेंस में तीन सवाल का जवाब हम दे देते हैं कि नहीं तीन सेंटेंस, तीन सेंटेंस तीन सेंटेंस तीन सेंटेंस सर बोलिए सर थैंक यू सर सर आप तारीफ कर रहे हो तो माइक पे कर रहा हा शायद पूरा मुल्क पूरा देश पूरा विश्व जेल रहा है जब हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं कन्या हत्या की बात करते हैं उन्हें दुनिया में आने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया जाता है एक इम्पॉर्टेंट फिल्म आप लेके आ रहे हैं सोशल मैसेज के साथ ये इम्पॉर्टेंट मैसेज देना एंटरटेन करते हुए ये कितना चैलेंजिंग था पहला सवाल सर माइंड सवाल तो मतलब आई एम सो ग्लैड दिस दूसरा 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 uh, बेटियों की हम बात करते हैं महिलाओं की बात करते हैं फिल्म इतनी इम्पोर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बच्चों के लिहाज से आपकी शादी को भी एक वक्त हो गया निजी जिंदगी में आप बेटी पहले चाहते हैं बेटा अच्छा अब मैं समझा अंकल अचानक में भयानक कर गए अंकल फसाया आपने मुझे पार्ट वन तो आपने बाई दी वे पूछा है पार्ट uh, टू <laughs> पे इनकैश करना था आपको इट इज माय चॉइस ओनली एक्चुअली इज नॉट माय चॉइस सर जैसे डायलॉग है ट्रेलर में मंदिर जाते हैं तो पूछते हैं क्या लाडू चाहिए क्या सीरो जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं तो ऊपर वाले ऊपर वाला चाहेगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही होगा मेरी लाइफ में